हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस मास्क कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारे फेस के अकॉर्डिंगली इसका मेजरमेंट होगा। तो मैंने लेंथ ली है 6 इंच और विड्थ ली है 8 इंच। इसमें हम चारों तरफ स्लांट स्ट्रिप लगाएंगे और जो हमारी ईयर तक भी बैंड बनाएगी तो वो हम अकॉर्डिंगली लेंगे। उसके लिए ये मेरा थिन फ्यूजन पेपर है। तो पहले मैं इसको लेंथ और विड्थ में 6 और 8 इंच का मार्क लगा के कट करती हूँ। हम इसको ऐसे बॉक्स बना के ये कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद अब हम एक कॉटन का स्ट्रेचेबल फैब्रिक पीस लेंगे और उसके ऊपर हम इसको पहले रॉन्ग साइड में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसके साइड से कट कर देंगे। ये मैंने डबल फैब्रिक पे पेस्ट किया था तो इस प्रकार ये मेरा 2 पीसेस हो गए हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ से स्टिच करके इसको दोनों साइड इसका जो फ्यूजन पेपर है वो इन बिटवीन दे दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब हम ये हमारी लेंथ साइड है जहाँ पर हमने 6 इंच मार्क किया था, इसका हम दोनों साइड सेंटर लेंगे। अब हम इस साइड पे इस प्रकार जैसे हम अपनी बॉटम्स में यानी सलवारों में प्लेट्स डालते हैं ऐसे हम इसमें सेंटर को लेकर के इस प्रकार हम दो दो प्लेट्स डालेंगे, 2 इस साइड और 2 बॉटम की साइड ऐसे ऐसे। इसी प्रकार इस साइड भी हम ऐसे फोल्ड करके ऑपोजिट साइड में 2 प्लेट्स डालेंगे और ऐसा ही हम इस साइड भी करेंगे। दोनों साइड प्लेट्स लगाने के बाद अब हम ये स्लांट स्ट्रिप लेंगे और दोनों साइड हम इसको फर्मली स्टिच कर देंगे। इस प्रकार ऐसे स्टिच करके और इसको फोल्ड करके अंदर से फोल्ड करते हैं जैसे हम स्लांट स्ट्रिप्स लगाते हैं वैसे इसको दोनों साइड हम ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। ये इस प्रकार से। इसके बाद हम एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स की कटिंग कर देंगे। ये करने के बाद अब हम एक और स्लांट स्ट्रिप लेंगे और अब रॉन्ग साइड में इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में रखते हुए यहां से यहां तक स्टिच करेंगे। उसके बाद अपने ऐसे साइड में जो ईयर के चारों तरफ मेजरमेंट होता है उसको मेजर करके मतलब जितना आपको चाहिए उसे थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। तो इसको यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे और इसको इसकी यहाँ तक ऐसे स्टिच करते हुए यहाँ आएंगे और इस साइड भी हम अपनी ईयर का मेजरमेंट लेते हुए यहाँ तक इसको स्टिच करके वापस इस जो हमारी स्टार्टिंग स्टिच थी इसके ऊपर तक ले आएंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम ये एक्स्ट्रा जो हमारी स्ट्रिप है इसकी कटिंग कर देंगे और अब हम इसको ऐसे राइट साइड पे लेके आएंगे और इस प्रकार इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक स्टिच दे देंगे। ऐसे फोल्ड करते रहेंगे और स्टिच लगाते रहेंगे।
इस प्रकार ये मेरा फेस मास्क रेडी हो गया है। अब आप इसको फेस पे लगा करके पॉल्यूशन से बच सकते हो। अगर आपको मेरा ये फेस मास्क बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।